हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 साल की बेबी के लिए स्कर्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है और ये 1.5 मीटर है और इसी में हम एक लाइनिंग पीस भी लगाएंगे और उसी में हम कैन भी लगाएंगे। हम इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे। और अब इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। और अब हम कॉर्नर से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये 1.5 मीटर फैब्रिक है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम जो लेंथ है वो फुल ले लेंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसकी लेंथ हम 16 इंच रख रहे हैं। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो दूसरी तरफ हम नीचे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक लंबाई में ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर कमर का निशान लगाया है, यानी इसकी जो वेस्ट है वो 24 इंच है। उसका मैंने 4 पार्ट लिया है और इस तरीके से इसे एक राउंड शेप दे दिया है। और अब हम यहाँ से भी 16 इंच पर मार्क करेंगे और पूरे राउंड पर हम इसी तरीके से टेप को रख के 16-16 इंच पर मार्क कर लेंगे जो हमने ऊपर निशान लगाया है। यहाँ पर हम टेप को रखते जाएंगे और मार्क कर लेंगे। जब हमारा फैब्रिक इक्वल होता है तो हम कॉर्नर से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मार्क कर लिया है, इसको डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो वेस्ट है उसके ऊपर 1/2 इंच ड्रॉ कर लिया है और हम वहीं से कट करेंगे। और अब नीचे भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्कल कट हो चुका, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कल आएगा। और अब हम लाइनिंग पीस का सर्कल कट करेंगे। ये हमारा लाइनिंग पीस है और ये मैंने 1 मीटर लिया है क्योंकि इसकी जो लेंथ रहेगी उस पर हम कैन लगाएंगे, इसलिए इसको मैंने कम लिया है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं वापस से जैसा हमने कट किया था। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। और ये जो हमारा स्कर्ट है इस तरीके से इसके कॉर्नर पर रखेंगे और इसकी जो वेस्ट है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। और इसका जो राउंड रहेगा वो जितनी इसकी लेंथ है हम फुल ले लेंगे इसको। तो ये जो हमारा लाइनिंग पीस है इस पर मैं नीचे फ्रिल टाइप की कैन को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी सर्कल के राउंड का एक कैन भी कट कर सकते हैं। तो इसमें 3 लेयर आ जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं चाहते हैं स्कर्ट को तो आप इस तरीके से लाइनिंग पीस पर भी कैन लगा सकते हैं, नीचे जैसे हम फ्रिल लगाते हैं। तो इस तरीके से इसका राउंड आ जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पर नीचे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे या आप इस पर पीकू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हम लाइनिंग पीस पर कैन लगा लेंगे
ये हमारा लाइनिंग पीस है, तो इसे हम फ्रिल के जैसे लगा रहे हैं। इसकी जो लेंथ रहेगी वो मैंने 4 इंच रखी है, क्योंकि ये स्कर्ट से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो स्कर्ट से जो मेन फैब्रिक है उससे ये 1/2 इंच या 1 इंच कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ये कट कर लिया है, ये मैंने इसको इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियों में कट किया है, और इसमें हम इस तरीके से यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे और छोटी छोटी इसमें प्लेट्स बना लेंगे और इस पर अटैच करते जाएंगे। इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये जो हमारी पट्टी रहेगी वो उल्टी साइड रहेगी और इसे हम लाइनिंग पीस के ऊपर रखेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अब इस तरीके से इसको टर्न करेंगे और इस पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे जिससे ये दब जाए। तो ये मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दी है जिससे ये फ्रिल नीचे की तरफ दब गई है। और अब हम इसको स्कर्ट में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से स्कर्ट के अंदर डालेंगे। तो स्कर्ट हमारा सीधा है और ये जो लाइनिंग पीस है इसे भी हमें सीधा ही डालना है। तो इस तरीके से हम इसको वेस्ट से निकाल देंगे ऊपर। तो यहाँ पर हम वेस्ट पर सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये हमारा लाइनिंग पीस है इसमें अटैच हो जाए। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो हम इसका राउंड है जो उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, उसी के हिसाब से हम इसका बेल्ट कट करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने पट्टी कट कर ली है और ये जो हमारा फैब्रिक है वो थिक है, इसलिए हम इसमें लाइनिंग पीस नहीं लगा रहे हैं, इसको डायरेक्ट ही अटैच करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने साइड से सिलाई लगा ली है, अब हम इसको स्कर्ट पर अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने स्कर्ट को इस पट्टी के अंदर डाला हुआ है। ध्यान रहे ये जो हमारी पट्टी है वो उल्टी है, उसको मैंने सीधा नहीं किया है और स्कर्ट सीधा है, और इस पट्टी को मैंने इस स्कर्ट के ऊपर चढ़ा दिया है। और इसके बाद हम इसके किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आप इसको पिनअप कर लें। यहाँ पर ये मैंने पूरे राउंड पर इसको पिनअप कर लिया है। और अब इसके बाद इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है किनारे से और अब इसको सीधा कर लेते हैं। और अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें मार्जिन को ऊपर की तरफ करना है और इस पट्टी को 1/2 इंच दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये मैंने इसको अटैच कर लिया है और एक जगह से मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये मैंने इलास्टिक ली है। इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 20 इंच है। इलास्टिक भी इसमें डल चुकी है और हमारा स्कर्ट भी बनकर रेडी हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा घेर आया है। इसमें जो कैनकेन लगा है इससे इसका घेर बहुत ज़्यादा रहता है और ये जो हमारा फैब्रिक है ये भी बहुत हार्ड है, इसलिए इसमें घेर बहुत अच्छा आया है। तो ये स्कर्ट बनाना बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।